माँ को देख निशब्द हो गए योगी। भावुक योगी ने माँ से पूछा हाल, तो माँ ने मारा ताना। माँ ने योगी से पूछा, क्यों रे याद नहीं आई तुझे मेरी? राजधर्म और माँ में से सन्यासी योगी ने राजधर्म को चुना। योगी के लिए राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है। 11 फरवरी 2017 वो आखिरी तारीख थी जब योगी और माँ ने एक दूसरे को नजर भरकर देखा था, और अब 5.25 साल बाद 3 मई 2022 को वो समय आया जब योगी ने फिर एक बार अपनी माँ को नजर भरकर देखा और माँ ने भी बेटे को एक टक निहारा। इस बीच न जाने योगी और योगी के परिवार ने कितने उतार चढ़ाव देख लिए। 20 अप्रैल 2020 को योगी ने अपने पिता को भी खो दिया, लेकिन फिर भी प्रदेश की जिम्मेदारियां निभा रहे योगी अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं पहुंच पाए थे, और अब जब पहुंचे हैं तो सबसे पहले योगी ने माँ से आशीर्वाद लिया। माँ ने प्यार से बेटे के सिर को सहलाया और उसके बाद माँ और बेटे के बीच में खट्टी मीठी नोकझोंक शुरू हो गई। भाई माँ ने बेटे को इतने साल बाद देखा है तो प्यार भी करेगी, पुचकारेगी भी, और इतने साल मिलने के बाद डांटेगी भी। ये भी तो माँ का दुलार ही होता है। एक दूसरे को देख माँ बेटे भावुक थे, दोनों की आंखों में आंसू थे। ऐसे में माँ ने बेटे को डांटते हुए पूछा, क्यों रे इतने सालों में तुझे मेरी याद नहीं आई? फिर माँ ने बेटे से उसका हाल भी पूछा और ये भी पूछा कि उसके अपने उत्तर प्रदेश का हाल क्या है। माँ ने पूछा, कैसा है तू और कैसा चल रहा है तेरा उत्तर प्रदेश? आज इतने दिन बाद तुझे देखकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया मेरे लाल। इस पर बेटे ने माँ से कहा, माँ जब मैंने जिस दिन से घर त्याग दिया तो मेरा जीवन मेरा नहीं रहा, ये जीवन समाज का हो गया। आज मैंने सन्यासी जीवन जीने के साथ राजधर्म की शपथ ली है। उस राजधर्म में मेरे लिए पूरा प्रदेश ही मेरा परिवार है। सन्यासी के धर्म में राष्ट्र धर्म ही मेरा धर्म है और ये राष्ट्र मेरा परिवार है। लेकिन आज जब तुमसे मिला हूँ तो उस राजधर्म के ही अनुपालन में मिल सका हूँ। ये जीवन अब मेरा नहीं रहा, लेकिन तुम मेरी जननी हो। इस शाश्वत सत्य को इस धरा पर कोई नहीं मिटा सकता। मैं ऐसे ही राजधर्म के अनुपालन में आने वाले समय में भी तुमसे मिलूंगा। 84 साल की योगी की मां सावित्री देवी बेटे के पहले कार्यकाल में योगी का परिवार होने के नाते लखनऊ सीएम आवास गई थी, लेकिन यही वो आखिरी मौका था जब योगी और मां एक दूसरे से मिले थे। उसके बाद मौका ही नहीं पड़ा जब योगी अपनी मां को निहार सकते, उनको एक टक देख सकते, उनको गले से लगा सकते, उनके दुलार को पा सकते। इन सब चीजों के लिए योगी को 5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा है। इस बीच में मौके बहुत आए। ऐसा नहीं था कि इस बीच में योगी उत्तराखंड या ऋषिकेश नहीं गए। योगी गए थे, लेकिन कभी अपने गांव अपनी मां से मिलने नहीं पहुंच पाए। लेकिन यूपी में दोबारा सरकार बनने के तत्काल बाद योगी ने मां से मिलने की इच्छा जताई थी। 10 मार्च 2022 को यूपी विधानसभा चुनाव का परिणाम आया और योगी को ही सीएम के पद पर बैठाया गया। तो अब योगी पहुंचे हैं पंचूर गांव अपनी मां से मिलने के लिए। इससे पहले साल 2017 में योगी अपने गांव गए थे। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने यमकेश्वर में जाकर बीजेपी प्रत्याशी रितु खंडूड़ी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया था। उस वक्त सिर्फ गोरखपुर के सांसद थे योगी, लेकिन अब तो दूसरी बार योगी प्रदेश के मुखिया बने हैं, जिसके लिए योगी का परिवार गर्वान्वित है। योगी माँ को देख गदगद है, बेटे को सामने देखकर मां की खुशी का ठिकाना नहीं है। योगी के लिए तो क्या ही कहें, उनकी आंखों से बहते आंसू ये बता रहे थे कि उन्हें उनकी मां को देखकर मां के हाथ से सिर सहलाने से वो कैसे आनंदित हो उठे थे। यही तो है मां और बेटे का प्यार, जिसे सिर्फ यही दोनों समझ सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई भी नहीं। वैसे आप योगी और योगी की मां के बीच हुई इस नोकझोंक पर क्या कहना चाहते हैं? आपके इस खट्टी मीठी नोकझोंक के बारे में क्या विचार हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।